बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वाइल आई वॉज डूइंग सम रिसर्च वर्क, मैं जो हूँ यहाँ पर अपनी थोड़ी सी हंटिंग कर रहा था हमारे नेक्स्ट पोकेमोन के लिए, तभी जो है वो मुझे यहाँ पे कह सकते हो कि कैच करने मिला एक चिकोरिटा। जी हाँ गाइस, एंड ये चिकोरिटा वैसा वाला नहीं है, दिस इज द वेरी जिद्दी चिकोरिटा जो हम लोगों को जो है वहाँ पर कैच करने के लिए मिला था। तो गाइस यहाँ पर कह सकते हो कि बेसिकली इस चिकोरिटा को पाने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा पापड़ बेलने पड़े हैं। बल्बस और भी आया था बट जो है बिकॉज मेरे बॉल जो है वो ख़त्म हो चुके थे, एंड ये जो मास्टर बॉल है वो मैं एक नॉर्मल पोकेमॉन की तरफ नहीं ज़्यादा जो हूँ यहाँ पर यूज करना चाहता, जैसे बिकॉज हम लोग नियर की पोकेमॉन को कैच करना चाहते हैं इससे, जो क्योंकि गाइस यार बाजू बता नहीं मुझे फिर से मास्टर बॉल मिलेगा या नहीं। दैट इज़ वाई यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो कह सकते हो कि इस पोकेमोन को चुनने के यहाँ पर मुझे फिर से जो है यहाँ पर मैंने ढूंढा, यहाँ पर ये पोकेमोन जो है यहाँ पर भी मुझे मिल गया। एंड कह सकते हो कि गाइस यार काफ़ी ज़्यादा जो है मेरी मेहनत के बाद सक्सेसफुली कह सकते हो कि आफ्टर एन नंबर ऑफ एफर्ट्स ना हम लोगों ने जो है वो कह सकते हो कि सक्सेसफुली जो है वो यहाँ पर कैच कर लिया था इस चिको रिटा को। जी हाँ गाइस यार, ये फाइनली जो है वो एक ग्रेट बॉल में ही, मतलब कि यार इसने मेरे ऑलमोस्ट 30 ग्रेट बॉल जो है यहाँ पर मैं कह सकता हूँ आप लोगों को, इतने मेरी जो है यहाँ पर इसने ग्रेट बॉल को जो है वो यहाँ पर वेस्ट किया जस्ट बिकॉज हम लोग उसको एक हिट में डाउन कर सकते हैं। इसका जो है यहाँ पर ये पूरा पूरा फायदा उठा रहा था एंड बट लेटर ऑन दैट ज़्यादा इसने नाटक नहीं किया, पैरलाइज होने की वजह से जो है वो यहाँ पर ज़्यादा ये हिल नहीं पा रहा था, एंड इसी की वजह से सक्सेसफुली हम लोगों ने कैच कर लिया है इस चिकोरिटा को। एंड इतना ही नहीं, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, जब मैंने इससे कह सकते हो कि देखा इसका समरी देखिए, एक थिंग जो है वो मुझे फाइंड आउट हो गई, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इसका निकनेम मैंने दिया है चिको, चिकोरिटा का निकनेम चिको। यस, जो थिंग मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ वो है ये पोकेमोन जैसे ही हमारी टीम में आया साथ ही साथ एक्सपीरियंस शेयर लेके आया। बोलो यार, मैंने बल्बासोर को क्या लेफ्ट आउट कर दिया, मुझे एक बेटर डिजर्व यहाँ पर हम लोगों को मिला, क्योंकि इसके बाद जो है एक्सपीरियंस शेयर है वो मुझे मिलने से भी नहीं मिलने वाला था इस गेम में, अगर मैं इफ आई यूज द चीट। आई एम रियली ग्रेटफुल कि जब सब भी कहते हैं ना, जो थिंग हमें अगर नहीं मिली उसको ये साइड नहीं देना चाहिए, क्योंकि आने वाली जो चीज़ है वो हमारे लिए बेटर से भी बेटर है, वो इसका एग्जांपल जो है मुझे आज के एपिसोड में पता चला। जैसे बिकॉज गाइस हम लोगों को अभी तक जो है यहाँ पर टोटल 5 जिम बैजेस पकड़ लिए हैं, कह सकते हो कि ऑब्टेन कर लिए हैं, एंड दिस इज द लास्ट एपिसोड ऑफ दिस मंथ ऑफ द पोकेमॉन ड्राफ्टर सीक्वल, जहाँ पे गाइस यहाँ पिछली बार हम लोगों ने जो है यहाँ पर कह सकते हो कि इस पर्टिकुलर जिम लीडर को जो है वो चैलेंज किया था। तो आज के एपिसोड में जो है वो गाइस हम लोग जो है वो अपनी आगे की जर्नी को कंटिन्यू करने वाले हैं। एज यू कैन सी इट, चिको भी जो है यहाँ पे हमारी टीम में सक्सेसफुली जो है वो ऐड हो चुका है। एंड ये लास्ट एपिसोड क्यों है गाइस यार, मेरे जो है मेरे पास जो है वो समय तो था कि यहाँ पर एक और एपिसोड जो है वो हम लोग अपलोड करें, मे बी शायद संडे को जो है यहाँ पर वीडियो आ सकती है, एक बड़ा एपिसोड भी आ सकता है, बड़े बड़े एपिसोड जो आएंगे अभी पोकेमॉन और डार्क रेजिंग 2 से रिलेटेड, क्योंकि ये भी सीरीज को हम लोगों का जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुका है, एंड जब भी कोई सीरीज डिले हो जाती है देन यू नो इट, हम लोग जो है वो उसे ख़त्म करने के लिए ही देखते हैं, ना कि उसके ऊपर ज़्यादा टाइम ऑफ इंटरेस्ट देने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी उसको जो है यहाँ पर कह सकते हो कि व्यूअरशिप है वो डाउन हो चुकी होती है, दैट्स वाई जो है वो यहाँ पर मैं ज़्यादा उस पर जो है टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता हूँ। इसी के कारण जो है वो गाइस यार यहाँ पर ये सीरीज भी जो है वो अभी उसी कैटेगरी में आ चुकी है, पोकेमॉन फायर गैलर सीजन के जो पोस्ट गेम है वो भी उसी कैटेगरी में आ चुकी है, पोकेमॉन पॉकेट एडिशन वो तो ऑलरेडी उसी कैटेगरी में थी। तो दैट्स वाई गाइस यार ये सारी वीडियो सीरीज जो है वो अभी टोटल 3 सीरीज जो है वो हमारे कह सकते हो कि ख़त्म होने की कैटेगरी में जो है वो यहाँ पर जल्द से जल्द मैं उसे अपने लाने की कोशिश करूँगा। पोकेमॉन डार्क रेजिंग 2 जो है यहाँ पर आप लोगों को कह सकते हो कि नेक्स्ट मंथ में जो है वो यहाँ पर दो दो वीडियो जो है वो शायद आ सकती है एवरी मंथ, और कह सकते हो कि जून अगस्त के खत्म में कर दूंगा शायद, क्योंकि आप लोगों ने जो है वो कल एक फंटिविटी का एपिसोड यहाँ पर आने वाला है, वो सारा का सारा शूट हो चुका है, बस उस पर एडिट करना बाकी है, मैंने वॉइस ओवर जो है वो दे दिया है, एडिट करना बाकी है, क्योंकि गाइस यार काफ़ी सारी चीज़ें जो है उसमें मुझे शो करनी है, दैट्स व्हाई गाइस यार उसमें एडिटिंग जो है वो स्टफ बाकी है, वो जो है वो एपिसोड शायद टिल मिडनाइट यहाँ पर कह सकते हो कि
प्रीमियर हो जाएगा, प्रीमियर कर दूंगा कल जो है वो अपन हो जाएगा ठीक 4 बजे आएगा वो एपिसोड, क्योंकि 4 बजे जो है वो आप लोगों के जो एक्टिव व्यूअरशिप जो है वो ज़्यादा है रैदर देन मतलब 9 PM 9 AM, तो डेट्स वाई जो है वो यहाँ पर 4 बजे जो है वो यहाँ पर कल एपिसोड आने वाला है हमारी न्यू सीरीज का, न्यू हमारी कैसा होता है फंडीबेटिक का लास्ट एपिसोड होने वाला है पोकेमोन सन का, तो देखना जो है वो यहाँ पर मिस बिल्कुल भी मत करना, काफ़ी ज़्यादा जो है वो रोमांचक भरे एपिसोड रहते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, वो एपिसोड लाने का मेरा जो है वो यहाँ पर इंटेंशन ही यही था कि हम लोग जो है वो कह सकते हो ठीक गाइस यार, हम लोग जो है वो कह सकते हो कि मैं क्या प्लान कर रहा था ना, मैं जो है वो एपिसोड नहीं लाने वाला था, मतलब एक स्पेसिफिक एपिसोड लाने वाला था, बट जो है वो कह सकते हो कि वो एपिसोड चेंज होकर ऐसे क्यों हो गया ना, मतलब कि उसी वीडियो में वो सब भी जो है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया हूँ, एंड दैट इज़ वाई गाइस एंड आई एम सुपर टायर्ड। यस वो जो फंटिविटी का एपिसोड है मुझे फर्स्ट शिफ्ट कह सकते हो कि फर्स्ट रखना था, भले ही पोकेमोन डार्क एजेंट 2 का एपिसोड जो थोड़ा डिले हो जाता था, मुझे थोड़ा सा इतना भी ज़्यादा गम नहीं होता था इतना कल की वीडियो अगर डिले हो गई उतना होगा, क्योंकि गाइस अगर कल नहीं आ पाई देन जो है फिर कह सकते हो कि तब जो है गाइस कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर मुझे कह सकते हो कि गम होगा, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा बुरा लगेगा, क्योंकि गाइस यार फिर जो है यहाँ पर मुझे संडे को वो इंट्रोडक्शन वाला एपिसोड भी रिलीज करना होगा, एंड संडे को भी यहाँ पर मुझे वो कंटिन्यूटी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो डिटेलिंग है वो आप लोगों के साथ शेयर करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई गाइस यहाँ पर कह सकते हो कि वो एपिसोड जो है वो कल ही यहाँ पर आने वाला है प्रीमियर, कुछ ही घंटों के यहाँ पर आप लोगों को अनाउंसमेंट मिल जाएगी वो कौन यहाँ पर प्रीमियर कितने बजे होगा, शायद 4 बजे ही करने वाला हूँ मैं मोस्ट प्रोबेबली, एंड लेट्स सी यार कितने बजे होगा वो मुझे यहाँ पर अभी तो फिलहाल के लिए मैं जो हूँ यहाँ पर आइडिया यहाँ पर नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि गाइस यार अगर मैंने आइडिया दे दी प्रीमियर कितने बजे होगा फिर मैं भी खुद यहाँ पर कह सकती हूँ कि फिर से मुझे जो है वो यहाँ पर टाइम नहीं मिलेगा, मैं खुद भूल जाऊँगा, इसलिए 4 बजे तक मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि वो उस एपिसोड को प्रीमियर कर दूँ, बट लेट्स सी यार। पोकेमोन डार्क एजेंट 2 का फीचर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, इस सीरीज के जो है वो कह सकते हो कि बेसिक बिना अभी भी कह सकते हो ना आप लोग, तो ज़्यादा एपिसोड में नहीं बोलूँगा लेफ्ट आउट है, ज़्यादा एपिसोड अभी बचे नहीं है ये सीरीज़ के, तो क्योंकि यार ये सीरीज जो है वो अभी हम लोगों के लिए डन एंड डस्टेड में इसीलिए कर रहा हूँ, क्योंकि यार ये सीरीज भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुकी है, लाइक ऑलमोस्ट ये सीरीज समर वेकेशन की पहली मतलब कि मेरे एग्जाम के पहली ख़त्म होनी चाहिए थी, एंड ये मे भी मेरा कह सकते हो कि ईयर स्टार्ट हो गया लेकिन फिर भी ये सीरीज अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट कि ये सीरीज जो है वो मुझे इतना ज़्यादा जो है वो समय देना पड़ रहा है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट गाइस अगेन, कि जैसे कि हम लोगों ने पोकेमोन सन की सीरीज को कंप्लीट करने वाले हैं कल के एपिसोड में, वैसे ही हम लोग जो है वो ये सीरीज को भी कंप्लीट कर दे हमारे कुछ हफ्तों में इसलिए क्योंकि संडे को ही आएगा एपिसोड, में मंडे टू सैटरडे हमारे एक बिजी वर्क शेड्यूल रहने वाला है, बेसिकली कह सकते हो कि हमारे अभी आने वाले जो मंथ्स है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो बिजी रहने वाले हैं, लाइक आई एम रियली बिजी फॉर दैट मंथ, सो दैट्स व्हाई गाइस यार यहाँ पर मैं फिलहाल के लिए कुछ भी यहाँ पर कह नहीं सकता उन सब के बारे में, बट लेट्स सी यार यहाँ पर अभी हम लोग कैसे चलता है देखते हैं, अगर हो सके तो टाइम पे टाइम वीडियोस भी आ जाए, क्योंकि गाइस यार मैं बोलता तो हूँ कि यहाँ पर आप लोगों को टाइम टू टाइम वीडियोस मिलेंगी, बट खुद मैं यहाँ पर जो है वो यहाँ पर वीडियोस टाइम टू टाइम लेकर नहीं आता, एंड वही मेरे जो है यहाँ पर कह सकते हो कि थोड़ा सा जो है वो कह सकते हो कि गाइस यार रिग्रेट हो जाता है बाद में, क्योंकि गाइस हम लोग जो है वो जब वीडियोज लाते हैं मैं यहाँ पर मैं बोलता हूँ आप लोगों को 1 वीक जो है वो थोड़ा सा प्रॉपरली चले जाता है, बट कह सकते हैं कि नेक्स्ट वीक जो है वो यहाँ पर फिर से जो है वही चीज़ हो जाती है, मुझे जो है यहाँ पर फिर से बिजी हो जाता हूँ मैं, एंड वो कह सकते हो कि वो रह जाता है, बट इस बार नहीं, मैं यहाँ पर इस बार जो हूँ वो पूरी पूरी अपनी कोशिश करने वाला हूँ कि यहाँ पर हम लोगों ने जो कंटिन्यूटी की वजह से जो है फिर कंटिन्यूटी के ही लिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो है वो रेगुलर बेसिस पर रह जाऊँ, एंड लेट्स सी यार अभी क्या कैसे चलता है ना वो सब जो है वो यहाँ पर मुझे आने वाले कुछ ही
कह सकते हो कि कुछ ही मंथ में यहाँ पर पता चलेगा कि वो फंटिविटी जो है वो यहाँ पर हमारी अच्छे से चल गई या नहीं। बट लेट्स सी यार, आई गेस कि वो चलनी चाहिए क्योंकि इधर काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो उसने में होने वाली है। बट लेट्स सी, क्योंकि इधर आई एज यू नो इट वो जो है वो यहाँ पर परमानेंट नहीं है कि कितना ज़्यादा जो है वो यहाँ पर चलेगी। बट मैं यहाँ पर कोशिश तो पूरी करूँगा कि वो जो कह सकते कि कंटिविटी है उस पर जो है आप लोगों का जो सपोर्ट है वो दबा के मिले मुझे। एंड ये वीडियो भी यहाँ पर हम कह सकते हो कि अभी हम लोग जो है वो एपिसोड के ऊपर भी यहाँ पर एंड कर दे रहा हूँ जस्ट बिकॉज गाइज यार ये एपिसोड लाने का रीज़न ही यही था, मैं आप लोगों को पोकेमॉन डार्क रीजन टू के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। पोकेमॉन फायर एश गैलर सीजन के बारे में एपिसोड मैं फिलहाल के लिए अनडिफाइंड हूँ, जब आएगा वो मैं यहाँ पर प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को पता चली जाएगा कि पोकेमॉन फायर एश का गैलर सीजन का भी एपिसोड आ रहा है। सो या अभी जस्ट सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, कह सकते हो कि फंटी बिटी में हम लोग सीधा मिलते हैं अभी जब आएगी तब नेक्स्ट कल जो है वो ठीक 4 बजे आने वाली है, ठीक 4 बजे मैं शेड्यूल कर दूंगा वो वीडियो। एंड या अभी जस्ट सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द पोकेमॉन डार्क राइजिंग 2 ऑल्सो वेन एवर इट्स पॉसिबल फॉर मी टू मेक द वीडियो लाइक हम लोगों का अभी नेक्स्ट संडे जो है वो ये संडे आ रहा है, तभी हो सकता है 30 तारीख का संडे को, वरना जो है वो सीधा 6 तारीख के संडे को जो है वो आप लोगों को 2 एपिसोड देखने मिल सकते हैं। पोकेमॉन फायर एश गैलर सीजन का 1 एपिसोड आएगा बट पोकेमॉन डार्क राइजिंग 2 के जो है वो शायद आप लोगों को 2 एपिसोड देखने मिल सकते हैं। आई एम नॉट स्टिल कन्फर्म हाँ 1 एपिसोड भी आने की यहाँ पर प्रॉब्लम है क्योंकि जैसे बिकॉज हमारे जो 2 नई सीरीज स्टार्ट हो रहे हैं ऊपर भी मुझे इधर जो है पूरा फोकस रखना है, मुझे अपने बाकी के टीम्स को भी जो है यहाँ पर फोकस रखना है। दैट्स व्हाई 4 वीक्स 4 सैटरडे हैं 4 संडे हैं माफ कीजिएगा। लेट्स सी यार कैसे होता है क्या होता है वो अभी सब आने वाले ऊपर वाले को ही पता है, व्हाट इफ मैं बचा ही ना तो ओके लेट्स सी यार लेट्स होप सो क्या होता है आगे चलकर। तब तक के लिए गुड बाय।